Hello, my dear students. Welcome you all in your English class. And this is the unit number third. And we we'll, uh, today we'll gonna study the lesson of unit third. Okay. So the what's the name of the lesson? The wind and the sun. तो आपको पता ही है कि विंड का मतलब क्या होता है विंड का मतलब होता है हवा सन का मतलब क्या होता है सूरज तो देखो आप डायग्राम में यहाँ पे जो पिक्चर इसमें देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रही है हवा चल रही है और ये क्या है सूरज है तो क्या होता है देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ठीक so, है सो ये विंड है विंड क्या बोलती है विंड किसको बोल रही है सन से बात करिए तो विंड क्या बोलती है सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड ई कैन गेट हिस्स कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन तो विंड बोलती है सन से कि सन क्या तुम्हें दिख रहा है वो आदमी जो रोड पे चल रहा है और देखो उसने क्या पहना है कोट पहना है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसका कोट उतरवा सकती हूँ तुम्हारे मुकाबले मैं इसका कोट क्या कर सकती हूँ जल्दी उतरवा सकती हूँ ठीक है तो सन क्या करता है सन स्माइल करके बोलता है पीछे पड़ी ना स्माइल वाली पोयम हाँ वैसे ही स्माइल करता है ंगर आई लेट यू फर्स्ट आई आई लेट यू ट्राई फर्स्ट तो सन बोलता है कि चलो देखते हैं, कौन स्ट्रॉग है चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हें मौका देता हूँ क्या कर लो ट्राई कर लो तो so, विंड क्या करती है पफिंग हिस्स एंड ब्लोइंग हार्ड पफ मतलब हवा जब भरते हैं ना मुंह में तो कैसा हो जाता है हमारे गाल वाल भर से जाते हैं उसको बोलते पफिंग ठीक है puffing, और उसके बाद जब हम जैसे फूक मारते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चा ब्लोइंग है? समझ आया समझ में आपको पफिंग एंड ब्लोइंग का मतलब जब मुंह में हवा भरने वाला जो

और इस तेज हवा के चलने से क्या होगा मेरा कोट क्या हो जाएगा उतर जाएगा इस वजह से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बहुत टाइटली क्या करना पड़ेगा बहुत होल्ड करना पड़ेगा पकड़ के रखना पड़ेगा अपने कपड़े बनने ये क्या हो जाएगा उड़ जाएगा विंड ब्लोइंग हार्ड अब देखो उसने पकड़ लिया लेकिन विंड क्या करना चाहती थी उसका कोट उतारना चाहती थी तो वो और ज्यादा हार्ड करके हवा बहने लगती है ठीक है अब क्या होता है मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली और मैन क्या होता है जितने तेज से हवा चलती है उतने टाइटली वो क्या करता है कोट को पकड़े रखता है हाउ कोल्ड इट इज और उसको अब ठंड जैसी लगने भी लग जाती है विंड बोलती है अब सन आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ तो विंड बोलती है कि सॉरी सन अब मैं नहीं कर सकती मैं नहीं उतरवा पाई इसका कोट ठीक है अब सन क्या करता है नाउ इट्स माई टन लेट मी ट्राई ही शाइन्स हार्ड अब सन क्या बोलता है कि चलो ठीक है तुमने ट्राई कर दिया अब बारी किसकी है मेरी है तो क्या हो गया जो सन था उसने बहुत तेज तेज क्या लगाने लग गई धूप शाइन्स हार्ड मतलब बहुत तेज चमकने लगी बहुत गर्मी होने लग गई फिर मैन बोलता है वड आ फनी डे इट्स सो कोल्ड एंड नाउ इट्स सो हॉट तो आदमी बोलता है कि अरे ये क्या मतलब फ़नी सा मजाक चल रहा है ये अभी तो थोड़ी देर पहले इतना ठंडा लग रहा था और अभी क्या होने लगी इतनी गर्मी होने लग गई फिर सन शाइनिंग हार्डर हार्डर आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर तो सन क्या करता है और कड़ाके की धूप लगाने लग जाता है और फिर उसकी वजह से क्या होने लग जाता है इस आदमी को क्या होने लग जाती है गर्मी बोल रहा है सन बोला कि मैं इसको और गर्म फील कराऊंगा फिर मैन बोलता है मैन तो क्या करता है वाइपिंग मतलब होता है साफ करना अपने जो उसको पसीना हो रहा था उसको साफ करते हुए बोलता है कि मुझे अब यह शायद ही कोट उतार देना चाहिए तो सन कहता है विन आई हैव वॉन आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट तो सन बोलता है विन देखो मैं जीत गया मैं इसका क्या कोट कर दिया उतार दिया तो बच्चा इस स्टोरी के पीछे आपका क्या है एक है किसने पहले कहा था पहले विंड ने कहा बच्चा कभी हमें क्या नहीं करना चाहिए घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का ठीक so, uh, है सो दैट्स ऑल द लेसन फिनिश नाउ एंड न्यू वर्ड्स हैं आपके रोड कोट क्विकली स्ट्रॉगर चिक्स एंड वॉन्ट one thank you